हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल योर एजे अपग्रेडिंग। आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पेपर यूज मॉडल। ओके, इन लास्ट वीडियो हमने देखे थे द स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लाउड मैकेनिज्म। देयर आर 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन मैकेनिज्म। ओके, सो स्पेशलाइज क्लाउड मैकेनिज्म से हमने नंबर्स ऑफ 3 मैकेनिज्म हमने लास्ट इसमें कवर कर चुके। तो नेक्स्ट 4th वाला पेपर यूज हम यहाँ पे देखेंगे। इफ आपको क्लाउड कंप्यूटिंग कोई भी कंसेप्ट के रिगार्डिंगली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। फर्स्ट दैट इज अ पेपर यूज मॉनिटर। ओके, तो बेसिकली पेपर यूज मॉनिटरिंग क्या है? ओके, सिंपल कंसेप्ट है, वन बाय वन देखते हैं। द पेपर यूज मॉनिटर मैकेनिज्म इज अ मेजर अ क्लाउड बेस्ड आईटी रिसोर्सेज यूजेस अकॉर्डिंग विद अ प्री डिफाइंड प्राइसिंग पैरामीटर एंड जनरेट यूजेस अ लॉग फॉर फी कैलकुलेशन एंड बिलिंग पर्पस। ये सिंपल की पेपर यूज कि जितना आप पे करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको यूज करने को मिलेगा। ये सिंपल एग्जाम्पल कि आपके मोबाइल का रिचार्ज। ओके, या एक हम एक सर्विस एक्सेस करते हैं मोबाइल फोन इन द सेंस कि जिसके ऊपर आपको इंटरनेट होगा, वॉइस की सर्विस होगी या इंटरनेट की सर्विस होगी। तो किसके बेस के ऊपर आपको यूज करने को मिलता है? अकॉर्डिंग टू पे, कि आप जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको यूज करने के मिलेगा, या वाइस वर्सा कि आप यूज करो देन पे करो। के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कीम ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफर होता है, बट मीनिंग सेम है। पे पर यूज, जितना पे करोगे उतना यूज करना पड़ेगा या यूज करोगे उतना पे करना पड़ेगा। ओके, तो सम मॉनिटरिंग वेरिएबल्स इसके अंदर उन्होंने दिए। सम टिपिकल मॉनिटर वेरिएबल्स आर, सो फर्स्ट दैट इज ट्रांसमिटेड डेटा वॉल्यूम, कि हम कितना डेटा वॉल्यूम यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक सर्विस के रिगार्डिंगली। हमने ये जो सिंपल एग्जाम्पल लिया है कि जो अभी जो हम सर्विस यूज करते तो उसके अकॉर्डिंगली 1.5 GB पर डे। ओके, सो 2022 जस्ट लाइक चालू है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी रिचार्ज करते हो तो मिनिमम जो रिचार्ज का पैक आपको मिलता है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पर डे यूज करने के लिए 1.5 GB डेटा अवेलेबल होता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू रिचार्ज, जैसे कि आप कोई बड़ा वाला रिचार्ज करते हो तो उसके अंदर आप 2 GB, 5 GB, 10 GB पर डे उतना भी यूज कर सकते। ओके, ये नॉर्मल डिवाइस के रिगार्डिंगली हम स्मार्टफोन के बारे में करें। कि इफ आप इंडस्ट्री में देखोगे तो इंडस्ट्री में इन टीबी फॉर्म में हम क्या करेंगे, डेटा यूज करेंगे, इंडस्ट्री क्लाउड को एक्सेस करेंगे, तो वहां पे वो डेटा ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स डिफर हो सकता है। ओके, सो ये फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ट्रांसमिशन ऑफ डेटा वॉल्यूम, कितना हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं। देन सेकेंड अकॉर्डिंग टू बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ का भी आप सभी को पता होगा, ये जैसे कि बैंडविड्थ कंजम्पशन के हम कितना स्पीड से आपको डेटा रिक्वायर है। जैसे कि आप सभी के घर में के इंटरनेट कनेक्शन होगा तो इन इंटरनेट कनेक्शन स्पेसिफिकली हम डिफाइन करते कि जैसे कि हमें 5 MBPS का डेटा रिक्वायर है, 2 MBPS का रिक्वायर है, या 512 KB का भी सफिशियंट है। तो अकॉर्डिंग टू यूज हम क्या कर सकते हैं, वो बैंडविड्थ असाइन कर सकते हैं। इन इंडस्ट्री हम कंसिडर देख सकते हैं जैसे कि 1 GHz 1 GB पर सेकेंड रिक्वायर्ड हो सकता है। ओके, या उसके यूज के अकॉर्डिंगली वो क्या हो सकता है, डिफर हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू बैंडविड्थ कि इन सेकेंड्स, इन मिनट, इन आवर्स कि जो भी स्पीड रिक्वायर्ड होगा बैंडविड्थ कंजम्पशन, वो उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे। देन नेक्स्ट द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेज क्वांटिटी। ओके, कितने नंबर ऑफ डेटा आप सेंड कर सकते हो, कितने अमाउंट ऑफ डेटा रिसीव कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल सेम आपके स्मार्टफोन का ही लेते हैं। तो स्मार्टफोन के अंदर जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज था, ओके, या टेक्स्ट मैसेज है कि इन प्रीवियस टाइम की जब किसी के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमें इनकमिंग कॉल के लिए भी पे करना पड़ता था, आउटगोइंग के लिए तो ऑब्वियसली पे करना पड़ता था। बट अभी जैसे कि नॉर्मल मैसेज का एग्जांपल लेते तो इन अभी के सिनारियो के लिए कि जैसे कि हम जो भी रिचार्ज के लिए एग्जांपल है कि 100 मैसेज पर डे कैसी स्कीम हर किसी ने सुनी होगी, तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस क्वालिटी इन द सेंस कितने नंबर ऑफ डेटा आपने एज अ मैसेज सेंड किया है। ओके,
एंड कितने नंबर्स ऑफ अपने डेटा एज अ रिस्पॉन्स रिसीव किए, कि उसके अकॉर्डिंग लीफ आपको चाहिए होगा तो वो भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे बिलिंग पर्पस के अंदर यूज कर सकते, दैट इज पे पर यूज मॉनिटरिंग। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द कलेक्ट द डेटा कलेक्ट बाय द पे पर यूज मॉनिटर प्रोसीड बाय द बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड द कैलकुलेट द पेमेंट फी। ओके द बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स इसके अंदर हमने क्या किए कवर किए, तो नॉर्मल क्लाउड कंज्यूमर रहेगा जो क्लाउड सर्विस को एक्सेस कर रहा है। ओके एक नॉर्मल कंज्यूमर यूजर एक्सेस कर रहा है, देन अकॉर्डिंग टू यूज कि हमने जो तीन मैकेनिज्म देखे इसके अंदर सब टेक्निक्स देखे तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा बैक एंड के अंदर कि वो पेपर यूज कितना डेटा यूज कर रहा है या कितना बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा है कितने नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इन कर रहा है जो भी क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा डेटा मॉनिटर होता रहेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली जो डेटा बेस होगा लॉक होगा उसके अंदर डेटा फिल होता रहेगा। डेटा स्टोर हो गया द पेपर यूज मॉनिटर स्टे अ टाइम लैप विद द लॉक डेटाबेस। ओके कि आप कौन से टाइम के ऊपर डेटा यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपके डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है। देन द क्लाउड कंज्यूमर लिटिल द रिक्वेस्ट फॉर क्लाउड सर्विस इंस्टेंस टू बी स्टॉप। ओके इफ जो भी सर्विस हमें यूज कर रहे कि उसके अकॉर्डिंगली कि इफ जो क्लाउड कंज्यूमर ने उसने रिक्वेस्ट की कि इफ मुझे स्टॉप करना है कि डेटा में जितना यूज करा या कहाँ से स्टार्ट कहाँ पे स्टॉप, जैसे कि स्टॉप की रिक्वेस्ट कर दी सो उस मोमेंट ऑफ टाइम के बाद द पे पर यूज मॉनिटरिंग रिसीव द स्टॉप इवेंट नोटिफिकेशन फॉर रिसोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर की जो भी क्लाउड हम यूज करे वो वहां पे स्टॉप होगा। तो इन द सेंस जो टाइम स्टैप होगा तो वहां पे रुक जाएगा कि कहाँ हमें स्टार्ट किया है कहाँ पे स्टॉप किया है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं कि स्पेसिफिकली और जैसे कि कोई भी सर्विस हम यूज करते हैं तो जैसे कि जो भी टाइम होगा कि कहाँ से कहाँ तक तो दोनों रिकॉर्ड आपके लॉग डेटाबेस के अंदर स्टोर होने वाले हैं। देन नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल इसके अंदर देखते हैं द क्लाउड सर्विस कंज्यूमर सेंड अ रिक्वेस्ट मैसेज टू अ क्लाउड सर्विसेज। जैसे जो सर्विस को हम मैसेज करते हैं कि दो सिनारे हो सकते हैं कि एक क्लाउड सर्विस के बाद और एक क्लाउड सर्विस के पहले हम पेपर यूज अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जो भी जब भी हम कोई भी सर्विस के लिए मैसेज करते हैं तो फर्स्ट पेपर यूज मॉनिटर उसको चेक करेगा, एक कॉपी उसके क्लाउड सर्विस के पास जाएगी तो फॉरवर्डेड इट टू अ क्लाउड सर्विस एंड स्टोर द यूसेज इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मॉनिटरिंग मैट्रिक्स कि कौन से पर्पज के लिए आया है कितना डेटा कंज्यूम होगा सभी वो कैलकुलेट करके वो क्या करेगा लॉग डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा। द क्लाउड सर्विस फॉरवर्ड द रिस्पॉन्स बैक द क्लाउड सर्विस कंज्यूमर टू प्रोवाइड द रिक्वेस्ट सर्विस। ओके देन दोनों के पास एक एक कॉपी चली गई सो नेक्स्ट जो भी रिस्पॉन्स होगा या जो भी सर्विस हमें प्रोवाइड करने क्लाउड कंज्यूमर को हम उसके अकॉर्डिंगली उसको सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सिंपल कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन होगा सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक इसके रिगार्डिंगली कोई और भी वीडियोस की आपके रिक्वायरमेंट होगी तो भी आप हमें बता सकते हैं। ओके एंड इफ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं एंड फॉर अ मोटिवेशन पर्पज इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।